तो कंटिन्यू करते हैं हमारा प्रीलिम्स क्विज। टॉपिक चल रहा है करंट अफेयर्स फंडामेंटल राइट्स पार्ट टू देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक 10 क्वेश्चन देख रहे हैं, देख चुके हैं। 11th क्वेश्चन अब देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप बाय द स्टेट विल बी मेड अ फंडामेंटल राइट बाय द 76th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड, सर्व शिक्षा अभियान सीक्स टू प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन इवन इन रूरल एरियाज। एजुकेशन वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट बाई द 42nd अमेंडमेंट 1976 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चंस में आपको सारे पॉइंट्स ना पता हो, तो आपको एलिमिनेशन का यूज़ करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। आप एलिमिनेशन का यूज़ करके अपने आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ये जो पहली स्टेटमेंट है वो देखिए, ये पूरी स्टेटमेंट ठीक है, सिर्फ इसमें एक चीज़ गलत है जो हमें हेल्प कर देगी कि हाँ हम ये कह सकें कि भैया ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो आपका राइट टू एजुकेशन है वो 76th अमेंडमेंट से नहीं 86th अमेंडमेंट से आता है। तो अगर आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में भी पता है तो, और आप ऑप्शंस देखें तो सारे ऑप्शंस में वन है, अवेलेबल है, सिर्फ सी ऑप्शन में टू एंड थ्री नहीं है, तो वन तो आपका गलत है। तो जिन ऑप्शंस में वन है वो तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए, तो आपका आंसर जो बचता है वो सिर्फ टू एंड थ्री बचता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपको ये स्टेटमेंट नहीं पता था, तो अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं पता होगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे क्योंकि बाकी सब में वन है, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता होना ही ज़रूरी है इस वाले क्वेश्चन के केस में, लेकिन अगर आपको ये पता है और बाकी दो स्टेटमेंट्स नहीं पता तो तब भी चलेगा, क्योंकि बाकी आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वन रॉन्ग हो गया और वो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो दो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आप ऐसा हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में ना पता हो कि क्या है, ये भी आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। आर्टिकल 301 पर्टेंस टू द राइट टू प्रॉपर्टी, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। थर्ड स्टेटमेंट, आर्टिकल 300A वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर बाय द 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अगर आपने अब दोस्तों फिर से पॉलिटी पढ़ी है तो आपको क्या पता हो सकता है कि आर्टिकल 301 के बारे में ना पता हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 301 के बारे में ना पता हो, आर्टिकल 301 में राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, ठीक है। लेकिन आप सपोज करके चलते हैं कि आपको नहीं पता था, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको लीगल राइट बना दिया गया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो ये स्टेटमेंट ठीक है, क्या पता आपको ये स्टेटमेंट भी ना जानते हो। अब थर्ड स्टेटमेंट जो है, आर्टिकल 300A वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये बिल्कुल सही है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम पे जो सरकार थी वो कांग्रेस की नहीं थी, वो जनता गवर्नमेंट थी। तो अगर आप सिर्फ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो हम जनरली समझ के चलते हैं कि आपको इस पॉइंट के बारे में पता है। तो अगर आपको सिर्फ थर्ड पॉइंट भी पता है ना, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो, क्योंकि थर्ड पॉइंट आपका बिल्कुल गलत है। तो अगर आप ऑप्शंस देखो ए बी सी डी, तो तीन ऑप्शंस में थ्री है, तो थ्री वाले तो सारे एलिमिनेट हो गए, तो आंसर आपका बचता है सिर्फ ए, टू ओनली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है और थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, तो आपका आंसर सिर्फ जो रहेगा वो रहेगा सेकंड, राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद देख लेते हैं 13th क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। अब इसमें भी सेम केस हो सकता है, आपको सारे आर्टिकल्स के अंडर ना पता हो, तो अगर आपको एक दो के अंडर भी पता है तो आप इजीली दो या तीन ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल, आपको आर्टिकल 16(2) पता है, ठीक है। अब आर्टिकल 16(2) में आप सारे ऑप्शंस रीड करते हो, नो पर्सन शॉल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 16(2) में नहीं है, तो ये तो कट गया, ठीक है। सेकेंड, नो पर्सन शॉल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस रिलीजन और कास्ट। तो 16(2) में जो आपके आता है वो पॉइंट टू में आता है। तो अब आप ऑप्शंस में देखो, ए में टू किस किस ऑप्शन के अंडर आ रहा है, तो ए में टू सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आ रहा है, तो मतलब बी और डी तो आपका आंसर हो ही नहीं सकते, ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो आपके एलिमिनेट हो गए। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 29(2). आर्टिकल 29(2) में हम पढ़ते हैं, वन, नो पर्सन शॉल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, नहीं है नो पर्सन, ये हम देख चुके हैं आर्टिकल 16(2) में आता है। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शॉल हैव द फंडामेंटल राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, ये भी नहीं है। नो सिटीजन शॉल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। तो
ये जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, ये आपका आर्टिकल 29(2) में कवर होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं बी में फोर किस किस के अंडर है। ठीक है, बी में फोर, डी तो हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके थे जब हमने ए का केस देखा था। बी और डी तो हम तभी एलिमिनेट कर चुके थे, तो हमारे पास ऑप्शंस बचे थे ए और सी। ए और सी में से बी के अंडर फोर सिर्फ ए में है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ए। देखा, अभी हमने सी और डी के पॉइंट्स पढ़े भी नहीं और हमने आंसर जो है वो इजीली दे दिया। वैसे ही अगर आपको ए, जो ए है आर्टिकल 16(2), इसके बारे में नहीं पता था, आपको बी के बारे में पता था 29(2), जिससे आप कंक्लूजन पे निकले थे कि 29(2) में फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तब भी आप बी में फोर और देखते तो आपका जो ऑप्शंस बी और सी थे वो एलिमिनेट हो जाते, फिर आपके पास चॉइस बचती ए और डी में से, और बाकी के चार ऑप्शंस में से आप कोई एक ठीक पकड़कर दो को एलिमिनेट कर देते और आपका आंसर जो है वो इजीली आ जाता। नेक्स्ट 14th, मैच लिस्ट 1, ये क्वेश्चंस दोस्तों रिपीट हो गया, सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं 15th, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन इट एक्स्ट्रा, आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल क्लासिफाइबल अंडर। ठीक है, तो आपका जो आर्टिकल 15 है जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, बर्थ, रेस, तो उसमें आर्टिकल 15 आपका कौन से फंडामेंटल राइट में क्लासिफाइड किया जाता है? आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको अलग अलग डेफिनेशंस में क्लासिफाई किया गया है, जैसे राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में आपके आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के राइट्स कवर होते हैं। फिर आपका राइट टू फ्रीडम आ जाता है, उसमें आपके 6 जो राइट्स कवर होते हैं आर्टिकल 19 के अंडर। ठीक है, तो ऐसे क्लासिफाइड किया गया है इन राइट्स को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 14 टू 18 जो राइट्स हैं वो आपके राइट टू इक्वालिटी के हेड के अंडर आते हैं, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा डी, राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद फिर से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, इसको भी हम सेम तरीके से कर सकते हैं, अगर हमें दो या तीन ऑप्शंस पता हैं तो हम एलिमिनेट करके इजीली कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हम जानते हैं दोस्तों कि हमने बिल ऑफ राइट्स यूएस से लिया है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से लिया, तो हम देख लेते हैं ए जो है उसके अंडर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ए के अंडर 2 आना चाहिए, तो वो दो ऑप्शंस में आपका ए और सी, तो बी और डी तो आपके सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने यूके से लिया, ये भी हमें इजीली पता है, बहुत सिंपल है। तो ए और सी में से हम देख लेते हैं कि बी के अंडर 1 किस में है। ए और सी में से अगर आप देखो तो बी के अंडर 1 सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, बाकी के दो हमने देखे भी नहीं और हम इसका इजीली आंसर बता सकते हैं सी। वैसे ही इमरजेंसी प्रोविजंस अगर आपको पता हो तो हमने जर्मनी से लिए हैं। ठीक है, तो सी का जो आपका आंसर रहेगा 4। ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने जो लिए हैं वो आयरलैंड से लिए हैं, तो डी का जो आपका रहेगा 3। तो हमारा जो आंसर हमने सी निकाला था वो एकदम सही से आ जाता है। वैसे ही अगर आप इनमें से अगर आपको एक या दो भी पता है तो आप इजीली एलिमिनेट करके बाकी के जो हैं सॉल्व कर सकते हो। 17 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट हमें पता है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट के पास इसके लिए कोई पावर नहीं है, तो ए तो नहीं है। बी, डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट इंटर से, दो स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाता है, ना कि उन स्टेट्स के हाई कोर्ट के पास, तो बी भी ऑप्शन नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हम जानते हैं कि दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 रिट्स इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन के केस में, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये भी जो ज्यूरिसडिक्शन जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, तो आपका आंसर जो है वो है सी। द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट विद विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये बड़ा ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ऑप्शन जो है ए 97, बी 92, सी 86, डी 42, तो आंसर आपका ए 97 है। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये मत सोचना कि इतने फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आते, अगर आपने 2017 का पेपर देखा हो तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट 19th, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे है क्वेश्चन, ए 86, बी 42, सी 92, डी 100, तो इसका आंसर जो है आपका है ए 86। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड दैट फंडामेंटल राइट ग्रेंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल एमरजेंसी, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, ए 42, बी 44, सी 46, डी नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है आपका 46, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो जनता गवर्नमेंट आई थी उन्होंने
काफ़ी सारी चीज़ें जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कांग्रेस ने बनाई थी उनको ओवरटर्न कर दिया था 46th अमेंडमेंट से। तो ये भी एक 20 और 21 जो इमरजेंसी के केस में जो एट्रॉसिटीज़ हुई थी उसको अवॉइड करने के लिए ये चीज़ डाली गई थी 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में।